DGX. मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मुझे सो रहे हैं तो उन्होंने बोला व्लॉग कर ले, तो चलो अभी खाना खाते हैं, देखते हैं क्या कर ले। अभी तो ट्यूशन है मेरी। टाइम क्या हो रहा है, देख लो टाइम हो रहा है। अब गिरे अभी जस्ट, पता नहीं कैसे, छोड़ो। टाइम हो रहा है 2:16। देखो तो गाइस, आज मैं और दीदी शिवा दीदी हम जा रहे हैं मूवी देखने। हम मूवी देखने जाएंगे डंकी। कमेंट में बताना किस किस ने देख लिया है डंकी। अच्छा गाइस, गाइस अभी खा के देखते हैं क्या करें। पहले खा लेते हैं, आपको खाने के बाद मिलते है बाहर। ओ शिट, मुझे गाइस ये देख रही हूँ, ये मुझे साफ करना पड़ेगा। अब देखते हैं करते हैं साफ। मिशन इसको रखो, अभी खोले थे मेरी मेरी खुफिया खजाने वाली आठ ड्रॉर। अब गाइस आप आधा ली देख सकते हैं क्योंकि मुझे पेल थोड़े थे और जिसमें रख ले वो थोड़ा गंदा है किसी। देख भी गाइस दिखाता है और हो गया। अब रख रहे हैं, अभी तो और कर ये हो गया। अब क्या बताऊँ मैं, बताइए। और बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, हवा 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 हवा। हमने अभी तक दिवाली के लिए चलो गाइस, अब क्या देखा हुआ आपको और अब क्या करूँ। अब मुझे समझ नहीं आया, आप गाइस मुझसे एक डांस को लेके बिना गाने के, बिना आपके पास अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है तो ये करना, ऐसे 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 ऐसे। देखते कॉल गिरता है और कॉल नहीं हो गिरता। चलो आप स्टार्ट करते, 1 2 3 go 1 2 3 go। गुड मॉर्निंग। तो मैं तो अपना स्टार्ट कर लूं मैडम। उठ गए भाई, एक्चुअली हम उठ गए थे सुबह के 4 बजे। ठीक है, 4 बजे क्या हुआ, हम उठे, हमने व्लॉग एडिट किया, फिर हमें 9 बजे जिम जाना था टेक्निकली शिवम के साथ, बट उसने कहा भाई जाएंगे तो 4-5 बजे जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। वो 4 बजे के बाद मैं ऐसा सोया टाइम पे व्लॉग डालने का कि मैं अब उठाऊ 2 बजे। बट ठीक है, अपना काम हो गया तो हम टेंशन फ्री हो गए, इतनी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अपना काम हो जाता है ना तो टेंशन फ्री नींद लेने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन मेरे को ठंड पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा लग रही है कि मेरी कपकपी छूट रही है बहुत ज्यादा। ठंड बढ़ गई है, अब घर में भी लगने लगी है। ठीक है कोई बात नहीं, एक तो रात में मैं हीटर 10 मिनट ज्यादा चलाने लगता, 10 मिनट ज्यादा चलाता हूँ तो दादी माँ कहती है बेटा बेटा घुटन हो रही है बेटा। उनकी वो घुटन के चक्कर में मैं ठंड में मर जाता हूँ यार। और वैसे पतला सा कंबल ओढ़ के सोता हूँ मैं, मोटा कंबल निकाल के कोई राजी नहीं है मेरे घर में। हाफ वेयर के सोते हो तो यही होगा। तो बेटा फुल में किसको नींद आएगी, तो खुद बता दे। आप मिस्त्री हो हमारे, हमें फुल में नींद नहीं आती। मेरे को निक्कर चाहिए और मेरे को टी शर्ट चाहिए तभी मैं सो सकता हूँ, वरना मैं नहीं सो सकता भाई। सिंपल उसूल भाई, हम लड़कों को तो होता है अनकंफर्टेबल होता है भाई बिना निक्कर टी शर्ट के सोने में। बट आप हो ना मायरा, आप हो, आप बहुत लेजेंड आदमी हो, सॉरी लेजेंड लड़की हो। इसी बात पे कंबल दे दो, ठंड में मर रहा हूँ मैं। दादी माँ कैसे करती है दादी माँ, मजाक उड़ा रही मेरी दादी का। बताऊँ मैं, देखो यार छोटे बाल होने का फायदा तो बहुत है, ठीक है ऑनेस्टली। मतलब हल्का सा हाथ नहीं मारा कि बाल सेट, बट ऑल्दो मेरे को तो पूरा ड्रायर ही मारना पड़ा, मेरे को अच्छे से पूरे बाल सेट करने में थोड़ा टाइम लगा। बट ठीक है, नागे मुझ के रेडी, नाउ लेट्स लीव फॉर जिम। शिवम आ रहा है मेरे को पिक करने, उसके बाद जिम जाता हूँ। फाइनली भाई मेंबरशिप की कुछ तो यूटिलाइजेशन होगी। हाँ अब जाने जिम, उसके चक्कर में मेंबरशिप ली और उसके चक्कर में मैंने जिम जाना है, वरना ये जिम तो मैं वैसे ही ना जाऊँ। बट उसके चक्कर में मैंने बस उधर की मेंबरशिप ली थी क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए साथ साथ मैं भी थोड़ा जिम कर लूंगा इस बहाने, इसलिए मैंने मेंबरशिप ले रखी है। वरना तो इस जिम से तो मेरा कोई नाता रखना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि वैसे ऑनेस्टली बताऊँ ऑफिशियली UFC की साइट से तक हट चुका है जिम का नाम। मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉग में, ये ऑफिशियली UFC की साइट से इसका नाम हट चुका है, तो फिर क्या ट्रस्ट कर रहा था भाई जिम पे। ठीक है भाई कोई बात नहीं, कुछ दिन की और बात है, उसके बाद मैं ये जिम छोड़ दूंगा और मैं शायद से सोसाइटी वाले जिम में कंटिन्यू करूंगा या फिर एनी टाइम फिटनेस चला जाऊंगा। मोस्टली तो एनी टाइम फिटनेस ही जाऊंगा। ठंड तो भाई बहुत है, धुंद भी निकल रही मुंह से, बड़ा एकदम फ्रेश लग रहा है नहा के। ये स्पाइक्स ये भी रखूंगा फॉर अ वाइल, तो मैंने वैसे बिठा के देखे बाल, बिठा के भी सही लग रहे, बट मेरे को अभी फॉर अ वाइल ऊपर रखना ज्यादा प्रेफरेबल है, जब तक कि थोड़े दाने वाने हट जाएंगे। जैसे दाने हट जाएंगे देन आई विल पुट इट डाउन। अभी मतलब ऊपर रखने में ना थोड़ी हेयर मेंटेनेंस भी कम है, ज्यादा नहीं है, मतलब हल्की सी सीरम लगानी है, 3-4 दिन में एक बार बाल धो लो, सॉर्टेड है भाई। और कोई नहीं बोलेगा भाई 3 दिन बाद नहाऊं, ठीक है वो आलस आ रहा था इसलिए नहीं नहा रहा था, बट फाइनली नहा लिया और नहाऊं तो एकदम आधा पौना घंटा अच्छे से लगा के रगड़ के नहाऊं। ऐसे नहीं कि एकदम से एनर्जी फी भी आ डाल, उन्होंने टाइम
माई पेरेंट्स गेट एंग्री ऑन मी दैट आई वे मोर लॉन्गर देन जस्ट टू शार माई सेल्फ। भाई वो अच्छे से पूरा आपको स्क्रब ऑफ करनी होती है डर्ट एंड ऑल, तो करना ही था। नहीं ऐसा नहीं कि मैं वॉश नहीं कर रहा, मैं वॉश तो रोज ले रहा था, बट प्रॉपर बात में भी आपको यू हैव टू बी लाइक डू सर्टन कॉल्स एंड ऑल। मैंने एक चीज देखी, अमायरा भाई ने आज भाई साहब 10 मिनट का व्लॉग रिकॉर्ड करा है, 10 मिनट की फुटेज रिकॉर्ड कर दी उसने। ऑल दो मैं उसका फायदा नहीं उठाऊंगा, उसमें से बहुत कटेगा मेरे को पता है, तो मैं अपना हिस्सा तो व्लॉग करता ही हूँ, मैं उसे व्लॉग के लिए दे देता हूँ कि वो थोड़ा ना क्यूटनेस ऐड कर देते। और जब मेरे को कमी लगती है ना कि भाई यार एमी आई नहीं इतने दिनों से व्लॉग में, चलो थोड़ा आपको एमी का भी डोज दे देते तक मैं उसे फोन पकड़ा देता हूँ। वरना मेरे को लगता है अगर मेरी साइड से इनफ है जितना मैंने अपनी साइड से लिया वो सही है तो बढ़िया, वरना मैं फिर कभी कभार उसको अपना फोन दे देता हूँ कि गुलू जाओ आप व्लॉग करो, थोड़ा आपको भी उसका डोज मिल जाए कि हाँ हमारा घर इतने दिन बाद दिखी है, तो मतलब आप लोगों को भी अच्छा लगे और मेरे को भी थोड़ा नींद लेने का मौका मिल जाए, जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो करने का मौका मिल जाए, रात दिन सुस्ताना सुस्ता तो मेरा ही था, बट ठीक है ओके अंडरस्टैंडेबल है यार। इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो और एनीथिंग, बट मैंने डीप कंस्ट्रक्ट का ये मंगाया था ब्राइटनिंग लिप बाम, एंड ऑनेस्टली मेरे वो जो ब्लैक लिप्स हैं ये उनको ब्राइटन करने में हेल्प कर रहा है, तो मैंने रिजल्ट ऑनेस्टली देखा, मतलब फर्क तो पता चला है, बट हाँ मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ, ये रेगुलर यूज पे थोड़ा ज्यादा फर्क इफेक्टिव रहेगा, तो ये यूज करना, अगर आपको मंगाना तो आप मंगा सकते हो, डी कंस्ट्रक्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा। प्लस अगर आप परफोरा से कुछ आइटम मंगाना चाह रहे हो तो परफोरा से मैं रिकमेंड करूंगा ना ये पाउडर मंगाना टीथ व्हाइटनिंग, ना ये टीथ व्हाइटनिंग पर्पल जेल मंगाना, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें आपका फुद्दू काटते हैं, कुछ नहीं है भाई, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई, इससे कुछ भी नहीं होता, सब स्कैम है, पैसे ऐंठने की बस तरकीब है। मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है तभी बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं हुआ भाई, मैं परेशान हो गया भाई, मैं ब्रश कर करके मैंने हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, साला रिजल्ट ही ना मिले, मैंने छोड़े हुए नॉर्मल पेस्ट से ही करना चालू कर दिया भाई, ये चीजें तो गलत है, ये परफोरा के आइटम्स तो कैंसिल करो, ये तो लेने ही नहीं है आपने, अगर आप लेने की सोच भी रहे हो ना तो ये लेना मत गलती से, ये आपका काट रहे हैं और कुछ नहीं है, मेरा काम है आपको सही से सही चीजें रिकमेंड करना और गलत चीजें ना रिकमेंड करना, मैंने अपना पार्ट कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको अपने पैसों पे आग लगानी है, बर्बादी करनी जैसे मैंने करी, लोगों की बातों में आकर तो आप कर सकते हैं, मैं एज अ पर्सनल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बोलूंगा ना ही करो, तो वो ज्यादा ही बेटर है आपके लिए भी और इन जनरल भी, क्योंकि पैसे को आग क्यों ही लगाना है यार, समझ रहे हो ना दोस्तों आप मेरी बात, आप मेरी बातों की महत्वपूर्णता समझिए। भाई किसी का कहना है कि ये आदमी जो है ताबा चाके ये मेरी तरह दिखता है, क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये मेरी तरह दिखता है, इतना अच्छा दिखता होगा ये, इसकी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो, कितना जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कुछ लोग कैमरा के उस तरफ यही बोल रहे हैं कि ये हमारी तरह दिखते हैं, कोई बात नहीं भाई, उसको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो मेरी तरह दिखता है, मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ भाई, आई नो आई लुक गुड यार। अंगद काट ले, सॉरी इसको भी काट ले, मैं अंगद कह रहा काट ले क्या कर रहा है भाई, काटने को बोला है अंगद, अपना लाइफ हैक दिखाओ जो तुम्हारे फोन का लाइफ हैक है, कहते तुम अपना फोन चलाते हो, दिखा, बहुत बढ़िया चीज है ये, भाई पे दो फोन है, ये रहा हॉटस्पॉट का, ये हॉटस्पॉट का, जबकि ये पापा का फोन है इसके, ये वाला कनेक्ट करने वाला, ये इसका मेन फोन है, ये बस हॉटस्पॉट के लिए, अब भाई में इतना दिमाग नहीं कि ये इसकी सिम इसमें डाल दे अगला, बट ये पापा हर दिन यूज करते हैं अपने काम के लिए, तो अभी नहीं चाहिए होगा मामा को, अभी ऑफिस से आ रहे हैं ना, हाँ तभी पता है, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्ट, शिवम के यहाँ रखे हैं नए वाले घर में, है ना स्कूबी, है ना स्कूबी, है ना भाई, ये है सोफा, इधर एस्थेटिक फोटो आ सकती है डुओ वाली, एक साइड में एक साइड अंगद, डुओ फोटो वाइज सेक्सी, अबे काट लेगा, दांत दूध लग गया ना फिर तू रोता फिरेगा, मत कर ऐसे, नहीं खींचते पागल कर दिया ना, ओए उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, काम चल रहा है उधर नहीं, वापसी बुला, वापसी बुला, आजा स्कूबी, आजा स्कूबी, तो भाई फेंक ना पहले, मैं लेफ्ट से खेल रहा था, चल भाई तू खेल ले यार, मेरे बस की नहीं है, घर मतलब अच्छे से ऐसे कहते देर तो बाहर थे, घर आया वापसी, जाओ खाना बनाओ खाना, अब जा रहा हूँ वापस, जरा नीचे से युवा लेता हूँ, युवा में घूमेंगे, ऐश्वर्या में आद्या, क्योंकि आद्या कल चली जाएगी तो उसको घूमना था, तो मैंने कहा चलो घूम लेते भाई क्या दिक्कत है, तो जाते हैं गाड़ी उठाते हैं थोड़ी घूमी घूमी करते हैं, और क्या यार मम्मा तो बड़ी वाली ले गई, और मैं तो यार मैं फिर मेरे को जब घूमना होता तो यार मैं ऑडी में घूमता हूँ, गाड़ी में घूम रहा था तब से मैं, सोसाइटी के बेसमेंट है सबसे खौफनाक
बेसमेंट होता कौन सा है माइनस टू, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ गाड़ी लेने जाने के लिए। मैं वैसे गाड़ी तक मैं स्कूटी से जाता हूँ, स्कूटी खड़ी थी दूसरे टावर पे, अब मेरे को वहां तक चल के जाना फिर वहां से लेके जाना है। सो अच्छा मैंने पैदल ही चले जाते तो इधर में ले ही लेंगे हम गाड़ी। अब ये खौफनाक इसलिए क्योंकि यहाँ डॉगीज बहुत सारे होते हैं और कोई भी गाड़ी के नीचे होते हैं, यहाँ जंगली कुत्ते नीचे कहीं से भी आ जाएंगे, तो मेरे को ना थोड़ा अटेंटिव रह के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे से डॉग्स की स्मेल भी आ सकती है, स्कूबी की भी आ सकती है, ऑलिव की भी आ सकती है, और मैं तो डॉग से मिलता ही रहता हूँ हर दिन, कितने सारे ऐसे मिलता हूँ मैं, उनकी स्मेल ना आ जाए इनको आना जाए। भाई आ गया मैं तो भागूंगा नहीं, बट डराना तो पड़ेगा, डराने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं जाऊँ तो जाऊँगा, गाड़ी पे चढ़ जाऊंगा तो गाड़ी पे ही कुत्ते भी चढ़ जाएंगे, मैटर खराब है थोड़ा। पहुंच जाऊँ मैं आधे रास्ते तो पहुंच गया, थोड़ा सा और 50% हुए मोर, मेरा अलविद कठिन रास्ता ही है, परीक्षा ले रहा है रास्ता मेरी, बस और कुछ नहीं। अरे मेरे को थोड़े ह्यूमन बींग्स दिखे तो आई एम सेफ, आई एम गुड, थैंक यू, आई रीच सेफली। मैं गाड़ी में पहुंच के आपको अपडेट करती हूं। मार्कशीट लीक कर देता हूं मैं, लीक क्या कर देता, हो गए 4 साल पहले दिया था। अच्छा रुक जाओ, 98, 97, ओ तेरी जय, ओ आखिरी बार मैथ्स में अच्छा है भाई। तेरे मैथ्स में कितने आए थे लास्ट? 98 तेरे, और बाकी सब में उससे कम मैथ्स में अच्छे भाई, टॉपर भाई, भाई टॉपर भाई, 66 होती नहीं थी सही। मेरे मैथ्स गेस कर, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग में बता रहा है, देख रहा हूं। ओए कैमरा नीचे कर, मेरे को तो जेन्युइनली पूछ रहा है। अरे मेरा मैच का गेस कर, मेरे इतना नहीं है कैमरा भी, दिखा मैं कभी ऐसे निकाल लेता। अबे कहां सही में दूर, मैं इसको देख रहा था साला, हाथ मॉल में भी ऐसे नहीं, ऐसे रहता भाई, हिडन अननोइंग व्लॉगर्स। अरे बताना मेरा गेस्टो कर मार्क्स कितने हैं भाई, बता दे परसेंटेज, परसेंटेज। अबे परसेंटेज नहीं, मैच में कितने आए थे मेरे बोर्ड में? 43 44। तो ऊपर ही, तू तो मेरे को बहुत ऊपर का दर्जा दे रहा है। फेल हुआ था, पास हुआ था, जस्ट पास हुआ है। देख इंटरनल्स के मार्क्स जोड़े 16 नंबर, ठीक है 20 इंटरनल में तो सबको 20 मिलते, उसमें भी 16 मिले। अबे वो मेरे को 16 दिए मैथ्स वाले ने, कांड भी तो कितने करता था। हाँ चाटे वाटे मारता था टीचर को, ये कब कर दिया मैं, 10वीं की बात है, 12वीं तो अभी चल रही है मेरी भाई, 10वीं तक तो मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूं यार, मजा मत लो यार तुम तो यार। भाई देख मैं ऑनेस्टली बताता हूँ ईमानदारी से, जो मेरे 2 टर्म में बोर्ड हुए, पहले टर्म में मेरे कौन से बोर्ड हुए थे तेरे 2 टर्म वाले? अबे इससे पूछ ले, हमारे 2 हुए थे तुम्हारे, 10वीं 2 टर्म की थी। हाँ अबे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पकड़ो कैमरा, पकड़ नो कैमरा पकड़, इसके घर के कैमरा कम थे तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब ना माने, ना माने हिप्पो, ओ ना माने, ओए ओए ओए, ब्लॉग में डाल देगा, ओए ओए भैया सॉरी, भैया सॉरी, कौन दिया इसका? ओए नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी ऐसी जगह दिखाता हूं तेरे फोन को मैं, ये क्या?